اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم आज माजी कुजीन में हम बड़ी सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम बना रहे हैं दाल हरी भरी। हमने चिकन हरा भरा बनाया था, आज दाल हरी भरी बने। इसके लिए मुझे क्या चाहिए दरकार है, मैं आपको बनाती जाती हूँ बताती जाती हूँ। हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया और ये मेरे पास है, इसमें सारी चीजें हरी जाती है। हरा लहसुन और हरा प्याज जो है ना, उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया, वो मैं इसमें डाल दूंगी। ऑयल हमारा जो ही गर्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है छिलकों समेत, साबुत मूंग भी ले सकते हैं। साथ मैंने लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ये मैंने बना लिया पुदीना धनिया हरी मिर्च का पेस्ट है। और ये जो मैंने बनाया, ये मैंने हरे प्याज का, हरे लहसुन का ये पेस्ट बना लिया। इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जब लहसुन का रूम अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं इसमें क्या डालूंगी, एक टमाटर लेके इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। साथ में एक हाफ टी स्पून हल्दी है और एक टी स्पून नमक है। एक किलो मैंने पालक लेके इसको अच्छी तरह धो के बॉईल करके रख लिया और तकरीबन एक पाव के करीब मैंने ये दाल लेके दो घंटे पहले सो कर ली थी, भिगो दी थी। जो नहीं हमारा ये मसाला अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी लहसुन का रूमा इसमें आना शुरू हो गया। इस स्टेज पे मेरे पास है कसूरी मेथी भुनी हुई। भुनी हुई से मराद है कि आप इसे ड्राई रोस्ट करना है, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें फ्रेश कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने कसूरी मेथी जो ड्राई वो डाल ली है। अब इसमें ये टमाटर जो है ना वो पेस्ट उसकी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मूंग की जो दाल मैंने भिगोई हुई थी दो घंटे पहले, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने डाल दी है। अब इसके साथ ही जो पालक मैंने बॉईल की हुई है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पालक और दाल में जब बबलिंग शुरू हो जाए तो उस स्टेज पे हमने ये जो पुदीना, धनिया और हरी मिर्च इसका पेस्ट बनाया हुआ है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा रूमा आ रहा है। उसके बाद मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि हमारी दाल जो है ना वो टेंडर हो जाए। उसके फाइनल उसके बाद इसमें एक तड़का लगता है, इसका तड़का भी बड़ा मजे का होता है। बस अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी 10 मिनट बाद, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें पानी डाल दूं ताकि ये मैंने इसी में कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हरी भरी है माशाल्लाह, इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। इसके ऊपर मैं इसकी लीड लगा दूंगी और उसके बाद फाइनल जब ये टेंडर हो जाएगी फाइनल इसका तड़का मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत जबरदस्त दाल हरी हरा भरा दाल हरी भरी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने फाइनल तड़का लगाना है और इसके साथ मैंने घर की फ्रेश भलाई ली हुई है, इस स्टेज पे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देसी घी लिया हुआ, इसमें देसी घी ही जाता है या बटर भी ले सकते हैं। उसके साथ मैंने ये इसमें सफेद जीरा लिया हुआ है टेबल स्पून और ये मेरे पास है 8-10 लहसुन के जमे हैं जिन्हें रफली मैंने चॉप कर लिया। जूनी हमारा घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो मैं दोनों जो इसमें डाल के हम इसका बघार यानी तड़का तैयार करेंगे। और इसको इधर हमारी भलाई जो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो रही है। घी हमारा गर्म हो चुका है, स्टेप में इसमें जीरा और लहसुन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमारा माशाल्लाह लहसुन जो है ना उसका बघार में तैयार कर रही हूँ। इधर माशाल्लाह ये हमारी भलाई इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और आपने क्या करना है, और आपने अपनी जबानों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रखा करें। कुछ भी पढ़े, इस्तिगफार पढ़े, अल्लाह अल्लाह करें, लेकिन कुछ भी करें अपने अल्लाह को राजी करें और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की कसरत करें ताकि हमारी जिंदगी में बहारे आ जाए। आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमारा रोजे क़यामो कदर बने, आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह की हेल्दी वीडियो बताते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, आपको मैं बंद कर दूंगी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। कुछ हमने ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे माशाल्लाह मक्खन से गार्निश कर रही हूँ। आप इसे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे इसमें और इसका टेस्ट जो है ना बड़ा इनहेंस हो जाता है। देसी घी सा तड़का लगाएं, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा भी लगा सकती हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की हेल्दी अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। दाल हरी भरी हमारी तैयार है, आप इसे खाइएगा। इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह मिंट का फ्लेवर, इसमें लहसुन का, अदरक का इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप याद करेंगे इंशाल्लाह ताला।